इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर पर ये जो बड़ी राहत दी गई है, इसका बीजेपी शासित राज्यों ने स्वागत करते हुए इस फैसले को बेहद ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी शासित राज्यों ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, रक्षाबंधन पर बहनों को प्रधानमंत्री का ये बड़ा तोहफा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से भी इसको ऐतिहासिक करार दिया गया है। चारों तरफ से जहां जहां बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद सावंत हो, योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहनों का जीवन आसान हुआ ये कह रहे हैं धामी। और इस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से फैसले को बेहद ऐतिहासिक करार दिया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर पूरा जोर लगा कर रखा हुआ है, खासतौर से महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर भी कोशिश इस बात की है कि महिलाओं को अपने पक्ष में किया जाए और अगले साल 170 दिनों के बाद लोकसभा चुनावों की घंटी भी बज जाएगी। मोदी सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए ₹200 उसे सस्ता कर दिया है। ये योजना आज से ही लागू हो गई है। वहीं इससे करीब 33 करोड़ लोगों तक फायदा पहुंचने का अनुमान है। वहीं जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं उन्हें डबल फायदा होने वाला है। पहले उन्हें सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी मिलती थी, अब ₹200 और कम हो जाएंगे, यानी उन्हें सीधे ₹400 का फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने 75 लाख नए कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया है। ये कनेक्शन पूरी तरह से मुफ्त दिए जाएंगे, यानी कनेक्शन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं इसमें करीब 7,000 करोड़ का खर्चा भी आएगा। रक्षाबंधन के ठीक पहले आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में सिलेंडर के दाम कम करने के फैसले को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि महिलाओं को इस ऐलान से राहत मिलेगी। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सामने आकर लोगों को इस बारे में जानकारी दी। ऐलान किया, सुनिए कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे, उनको ₹1 भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम ₹200 कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी ₹200 ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो ₹200 सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको ₹400 का लाभ मिलेगा।